आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय सत्यदेव कटारे जी हैं। आप मध्य प्रदेश में पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन में हुए घोटाले को लेके आपके बीच में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि जो वहाँ पीएससी में व्यापम में तो जो घोटाला हुआ आप सब जानते हैं, पर पीएससी में जो वहाँ घोटाला सामने आया है उस विषय में नेशनल मीडिया भी संज्ञान उसका ले। तो मैं आदरणीय कटारे जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको डिटेल में उस विषय पर अप्राइज करें। कटारे जी नमस्कार। पिछली बार हम आपके बीच में आए थे तब व्यापम घोटाले को लेकर के हमने चर्चा की थी। कदाचित अगर आपको स्मरण होगा उसमें हमने कुछ दस्तावेज भी दिए थे और वो प्रमाण दिए थे कि जिसमें मुख्यमंत्री जी कैसे गलत बोल रहे हैं, विधानसभा को गुमराह कर रहे हैं और वो स्कैंडल अपनी जगह चल रहा है, उसमें जाँच हो रही है, बहुत से लोग बचाए जा रहे हैं, बहुत से लोग फंस रहे हैं। आज हम आपसे फिर मुखातिब होना चाहते हैं और मध्य प्रदेश में भी हम इस बात को कह चुके हैं पर नेशनल मीडिया के सामने इसलिए इस बात को लेके आए हैं ताकि इस बात को हम आपके सामने रूबरू कह सकें। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएससी पर केंद्रित है, पीएससी पर ही हम आप चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग, इसमें पिछले कुछ वर्षों से लगभग 2005 से 4 से गड़बड़ी होना शुरू हुई जो 2005 की परीक्षाओं में पकड़ में आई, फिर 6 में पकड़ में आई, 8 की परीक्षा में पकड़ में आई, 10 में पकड़ में आई, 11 में आई और वो निरंतर फिर बढ़ती ही चली जा रही है। हम कुछ प्रकरण हैं अलग अलग वर्षों के, वो आपके सामने रखेंगे और उनमें जानकारी भी देंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक महोदय थे, चूँकि आज वो नहीं है परीक्षा नियंत्रक, एक प्रोफेसर साहब थे, एक कॉलेज के प्रोफेसर थे धार में, उनके खिलाफ डिपार्टमेंट ने ये लिखा हुआ था कि ये कॉलेज में परीक्षा कॉपियों में नकल करवाते हैं, हेरफेर करते हैं, इसलिए इन्हें कभी भी परीक्षा कार्यों से संबंधित कार्य में न रखा जाए। ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है उस ऑफिसर के लिए, उस ऑफिसर को ला करके मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा का नियंत्रक बना दिया गया, श्री 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 कृष्ण शर्मा, आज की तारीख में ही जिन जेल, श्री कृष्ण शर्मा, एक ही बार है, तीन बार मैंने इसलिए बोला कि विशेष आदमी है। एट द मोमेंट ही इन जेल और एक एग्जामिनेशन आयुष आयुर्वेदिक डॉक्टरों की एग्जामिनेशन हुई थी, वो पूरी की पूरी एग्जामिनेशन अभी 2013-14 की कैंसिल हुई और उसी स्कैंडल में वो जेल में पधार गए हैं। एक अन्य परीक्षा नियंत्रक थे जिनका नाम हम आपको प्रेस नोट दिए हैं उसमें है, मैं देख लेता हूँ, राजेश पाठक, ये उप परीक्षा नियंत्रक थे। इन महाशय ने उप परीक्षा नियंत्रक रहते हुए खुद को प्रोफेसर के तौर पर सिलेक्ट करवा लिया, पीएससी से खुद पास हो गए, उप परीक्षा नियंत्रक रहते हुए खुद प्रोफेसर बन गए क्योंकि उनके बगल में प्रोफेसर साहब जो बैठे हुए थे वो परीक्षा नियंत्रक थे, तो उनकी भी ये परिकल्पना थी कि भविष्य में अगर हमें ही क्लरिकल लेवल एम्प्लॉई, भविष्य में हमें भी यदि परीक्षा नियंत्रक बनना है तो प्रोफेसर बनना चाहिए और मौका मिल रहा है, अपने ही हाथ से औरों को बना रहे हैं तो खुद नहीं क्यों नहीं बने। तो एक बार उन्होंने भी बहती गंगा में डुबकी लगा ली। एक चंचल मोदी विद्यार्थी था, इसने पीएससी दी 2006 या 2007 की दी है, मैं कागज पलट के सही सन बताऊंगा, पर दी परीक्षा, परीक्षा कॉपी इस तरीके की बनती हैं, ये एक पुस्तक है, ये पुस्तक ये पर्टिकुलर प्रकाशन की है, इसी तरीके से पुस्तकें प्रकाशन की ले लेते हैं और
नियम ये है पीएससी का कि एक पुस्तक से एक दो तीन या चार तक प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इस प्रश्न पत्र में से ही 75 प्रश्न पूछे गए और इसी तरीके से 50 से लेकर के 90 तक प्रश्न एक ही गाइड में से पूछ लेते थे। और फिर इतना सुविधाजनक हो जाता था कि अगर किसी की मदद करना है तो उसको गाइड का नाम बता दिया जाता था, वो गाइड पढ़ लो, तो बस वो गाइड पढ़ लेता था और वो काम होता रहता था। तो चंचल मोदी ने परीक्षा दी और इस एक और व्यवस्था रहती थी कि इस गाइड में प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए हैं पीएससी उन्हीं उत्तरों को सही मानती थी भले ही वो उत्तर गलत हों। इस विद्यार्थी ने परीक्षा दी और परीक्षा में कुछ गलत उत्तर थे पीएससी के, उसने करेक्ट उत्तर दिए पर पीएससी ने उसे फेल कर दिया। देन ही विल गो टू हाई कोर्ट। जब वो विद्यार्थी हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने पीएससी के उत्तर गलत माने और चंचल मोदी के उत्तर सही माने और चंचल मोदी के लिए हाई कोर्ट ने पीएससी के लिए ऑर्डर किया कि या तो इसको सर्विस में रखा जाए जिस सर्विस में ये बैठा है, अन्यथा 5 लाख रुपए जुर्माना दिया जाए। हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, ग्वालियर हाई कोर्ट का। 2009 में एक विद्यार्थी बैठा एग्जामिनेशन में, एक सवाल का उसने जो उत्तर दिया ये मैं दिखाता हूँ, ये उत्तर है। एक विद्यार्थी ने इस सवाल का आंसर दिया, उसी आंसर पर एक विद्यार्थी को 0 दे रहे हैं और उसी सवाल के उसी उत्तर पर दूसरे विद्यार्थी को नंबर दे रहे हैं। दोनों की आरटीआई के तहत हमने ली हुई है नकल, दोनों का ही है। ये देखिए, ये इनका है। एक विद्यार्थी ने आंसर दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, दोनों ने एक ही आंसर दिया है, एक विद्यार्थी को पास कर दिया, एक को फेल कर दिया। ये दो कॉपी हमने आरटीआई के तहत निकलवाई है दो विद्यार्थियों, ये हमने आपको प्रेस नोट में जो कागज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसमें संलग्न किए हैं। मिले नहीं अभी, अभी मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हो पाए? अच्छा, उसमें उस प्रश्न का वही उत्तर, एक ही विद्यार्थी, एक ही परीक्षा हो रही है, एक ही परीक्षा में एक ही हॉल में दोनों विद्यार्थी बैठे हुए हैं और दोनों एक ही आंसर कर रहे हैं, एक आंसर पर एक विद्यार्थी को 3 नंबर दे रहे हैं पीएससी और एक विद्यार्थी को 0 दे रहे हैं। ये दोनों की कॉपी रखें। एक महेंद्र कौरव नामक नौजवान था, वो परीक्षा में बैठा और परीक्षा के प्री में पास हो गया लेकिन मेन में फेल हो गया और मेन परीक्षा में नहीं आया। ये रिजल्ट शीट है पीएससी की, इस रिजल्ट शीट की, ये फाइनल की रिजल्ट शीट है, इसमें उसका नंबर और नाम नहीं है, लेकिन उसको पीएससी ने बाद में लेटर दे दिया, ज्वाइन करवा दिया, वो सब रजिस्ट्रार जी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है। तो ऐसा भी हो जाता है कि जो फेल भी हो जाता है वो भी ऑर्डर ले लेता है, वो भी जाके नौकरी ज्वाइन कर लेता है। अब एक और महानतम कार्य हुआ है, एक ऋतु, श्रीमती ऋतु चौहान, किसकी नहीं नहीं, ये रिजल्ट है पीएससी का, इस रिजल्ट में वो फेल है, मतलब इसमें पास के नंबर आते हैं बाकी के मार्क्स आते ही नहीं है, ये वही रिजल्ट है। और ये सरकार का प्रकाशन है, ये अखबार का प्रकाशन नहीं है, रोजगार निर्माण जो मध्य प्रदेश शासन का निकलता है वो है। तो मैं पूरा कर लूँ फिर आप क्वेश्चन कर लेना इकट्ठे, बाद में बीच में करेंगे तो शायद मैं विषय से भटक जाऊँ। एक ऋतु चौहान हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भांजी, उनके सगी बहन की लड़की, इन्होंने भी 2008 में डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा दी और डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा में ये पास हुई कि फेल हुई ये भगवान जाने, लेकिन जो जानकारी जितनी है उसके अनुसार न उनको पासिंग मार्क्स मिले न वो पास हुई, पर उनको पास भी हो गई, 7th रैंक भी मिल गई और डिप्टी कलेक्टर भी बन गई और भोपाल में उनकी पोस्टिंग भी हो गई, भी भोपाल में ही है। उनकी बहन की बिटिया, भांजी, अंग्रेजी में तो डॉटर ला कहेंगे, नीच कहेंगे,
ये पीएससी की रिजल्ट शीट है मेरे पास, ये भी आपको प्रेस नोट में हम लगा के दे रहे हैं। इस रिजल्ट शीट में रिजर्वेशन हैं सबके, कितनी कितनी सीटें हैं, इसका सरकार ने खंडन भी दिया है मेरे, चूँकि हमने ये कल परसों भोपाल में ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो गवर्नमेंट का ये खंडन भी आया हुआ है। अब हम आपको एक दस्तावेज और दिखाते हैं। इस दस्तावेज में गवर्नमेंट ये कह रही है कि महिला कैटेगरी अलग है और पुरुष कैटेगरी अलग है। इसमें ये इंडिया टुडे में एक स्टोरी की थी पीएससी मध्य प्रदेश को लेकर के, दिनांक 29 फरवरी 2012 को। इसके साथ में ये मुख्यमंत्री जी का लेख है, उनका वर्षन है जो पूछा है। इसमें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग के नियमों में साफ लिखा है कि हर श्रेणी की सूची अलग अलग बनेगी, इसलिए महिला और पुरुषों की सूची अलग अलग बनाई गई है। ये उन्होंने जिस रेफरेंस में कहा है उस रेफरेंस पर भी हम आ रहे हैं इसके बाद, लेकिन उसके पहले ये बता दें, जब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं हर सूची अलग अलग बनेगी, तो ये सूची शामिल क्यों बनी? आप देख रहे हैं ये सूची, इसमें हम आपको नाम पढ़ के सुना देते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आएगा। पहला श्यामेंद्र जायसवाल, दूसरा ब्रजेश सक्सेना, तीसरा राजेश राठौर, चौथा श्रृंगार श्रीवास्तव, पाँचवा ओम प्रकाश सनोड़िया, छठवां तृप्ति श्रीवास्तव, सातवां ऋतु चौहान, आठवां विजय राज, नौवां शैलेंद्र सिंह, दसवां अंकुर मेश्राम, ग्यारहवां दीपक कुमार वैद्य और बारहवां टीना यादव। इसमें पीएससी महिला और पुरुषों को इकट्ठा जोड़ रही है और इधर महिला पुरुषों को मुख्यमंत्री अलग मान रहे हैं। ये अपनी भांजी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, ये मैंने एलिगेशन लगाया और कल मुख्यमंत्री जी से भोपाल में निवेदन किया था कि यदि हम दस्तावेज गलत दे रहे हैं या मेरी जानकारी गलत है तो मुख्यमंत्री को बहुत जल्दी मेरे खिलाफ मानहानि का प्रकरण लगाना चाहिए, हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको बहुत जल्दी मानहानि की चिंता हो जाती है और जब लगाने चलते हैं तो फिर खुद का मानहानि भूल जाते हैं, फिर सरकार से लगवाते हैं। ये डॉक्यूमेंट है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है और मध्य प्रदेश सरकार का बनाया हुआ है, और कहूँ तो शिवराज सिंह के बहुत ही निकटस्थ व्यक्ति की सिस्टर हैं जिनको बनाया है। इनके द्वारा कुछ लड़कियां मध्य प्रदेश में पीएससी सिलेक्ट हुई थी, ये 13 लड़कियों की कंप्लेंट है। इन लड़कियों ने ये शिकायत की कि हमारा नाम मेरिट में आया, हमारे मार्क्स मेरिट में ऊपर हैं और मेरिट में हम ऊपर होने के बाद इंटरव्यू हमको कॉल नहीं किया जा रहा है, हमारी ही कैटेगरी के दूसरे नौजवान लड़कों को कॉल किया जा रहा है। उनकी शिकायत ये थी कि हमारे साथ लड़की होने की वजह से भेदभाव किया जा रहा है, और ये शिकायत लेके ये प्रेसिडेंट हाउस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, इन तीनों में गई। राज्य महिला आयोग ने कॉग्निजेंस लिया और राज्य सरकार को आदेश दिया, और ये आदेश उनके दो तीन हैं अलग अलग। इस आदेश में उन्होंने ये भी लिखा है, अधिक अंक प्राप्त करने वाली योग्य महिलाओं उम्मीदवार को चयन से वंचित रखना और कम अंक प्राप्त करने वाले अयोग्य पुरुष उम्मीदवार को चयनित करना आरक्षण नीति एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 19 के विपरीत है एवं महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है। अंत में उन्होंने आदेश दिया, आयोग के द्वारा हाल ही में आयोजित की गई पीएससी मेन में चयनित उम्मीदवारों के साथ उन सभी महिलाओं को भी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने की अनुशंसा महिला आयोग करता है। फिर इसमें इन्होंने आदेश दिया, ये अभी अनुशंसा की है, इसमें इन्होंने ये कहा, अतः पुनः एक बार अनुशंसा की जाती है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कुमारी सुनीता जैन एवं अन्य महिला प्रत्याशियों को उचित हक प्रदान करे ताकि उनके साथ न्याय किया जा सके। इतने आदेश भी राज्य सरकार किनारे रख देती है क्योंकि ये लड़कियां न तो ऋतु चौहान हैं न शिवराज सिंह जी की भांजी हैं, इसलिए ये तो अलग हो गई, इनके लिए कानून अलग है और शिवराज सिंह जी की भांजी के लिए कानून अलग है। अब एक बात और बताऊं, 2008 की एग्जामिनेशन में ऋतु चौहान बैठी थी, जैसे ही रिजल्ट निकला उसके कुछ महीने बाद जो पीड़ित लड़के थे उन्होंने उनकी नकल मांगना शुरू कर दिया, ओएमआर सीट और आंसर सीट, वो उन्होंने नहीं दी, जब जब भी मांगी गई नहीं दिया। विधानसभा में इसको लेकर सवाल भी लगाया गया, मुख्यमंत्री ने सवाल में उत्तर दे दिया कि हाँ हमने
पीएससी के नियमों में बदलाव कर दिया है। बदलाव क्या किया? बदलाव मुख्यमंत्री जी ने ये किया, तो डॉक्यूमेंट आप ये रखा है, 1999 तक मध्य प्रदेश पीएससी के रिकॉर्ड नष्ट करने की अवधि थी 2 वर्ष, परीक्षा होने के बाद 2 वर्ष तक रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा और 2 वर्ष के बाद रिकॉर्ड नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 27/7/2011 को 2 वर्ष वाले आदेश को घटा करके 1 वर्ष कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद तुरंत बहुत जल्दी, क्योंकि आरटीआई बराबर बराबर लग रही थी, तो 19/10/2011 को उन्होंने फिर एक आदेश निकाला। आदेश पीएससी ही निकालती है, हम भी जानते हैं कि पीएससी स्वतंत्र निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन पीएससी का सेक्रेटरी इसमें मुख्यमंत्री के सचिवालय का उप सचिव था, वही जाके सेक्रेटरी बन जाता था। अभी महीने भर पहले भी वो वापस आ गया, आईएएस अवार्ड हो गया और आईएएस लेके अभी वापस फिर वही सेक्रेटरी बन गया। तो 27/10/2011 को फिर से आदेश निकाला और ये 1 वर्ष की अवधि को घटा करके 3 माह कर दिया। अब रिकॉर्ड मांग रहे हैं तो रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ एक चीज और खड़ी होती है, ये संवैधानिक सवाल ये भी खड़ा होता है, ये आरटीआई एक्ट है, मध्य प्रदेश में आरटीआई एक्ट लागू है, आरटीआई कानून है। आरटीआई एक्ट की धारा 8 ये कहती है जहाँ उस तारीख के बारे में जिससे 20 वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहाँ इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार रिकॉर्ड सुरक्षित रखेगी। आरटीआई एक्ट के अनुसार 20 साल रिकॉर्ड सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो 2 साल के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के नियम को भी बदल के 3 महीने पहले आए, और ये 3 महीना 2 साल से करना उनको तब याद आया जब उनकी भांजी के सिलेक्शन का रिजल्ट हो गया, उसके पहले उन्हें कभी याद नहीं आया। ये लड़कियां परेशान हो रही, इनके बारे में अभी तक नहीं कुछ सोचा। और भी लड़के हैं, मैं और उदाहरण दूंगा तो विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक लड़का विमल भारद्वाज, वो सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट होके वेटिंग में नाम था, वेटिंग क्लियर हो गई, उसका अपॉइंटमेंट का नंबर आ गया, होम डिपार्टमेंट ADPO सिलेक्ट हुआ है, होम डिपार्टमेंट उसका रिकॉर्ड मांग रही है पीएससी से, पीएससी उसका रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं करवा रही है। 8 महीने हो गए, क्योंकि फिर 1 साल गुजर जाएगी तो फिर ये कहेंगे कि अब आप टाइम बार हो गए, अब आप फिर से परीक्षा दीजिए अगर आपकी उम्र बची हुई है, नहीं तो आप जाइए। तो इस तरीके का हो रहा है कि जिसको जी चाहें पास कर दिया, जिसको जी चाहें फेल कर दिया, जिसको ऑर्डर मतलब मेन में फेल भी हो गया तो भी ज्वाइन करवा दिया। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे, बहुत सारी चीज़ें और हैं और बहुत सारे लोग मीडिया वाले भी लिखते रहे हैं, तो ये बातें हम आप तक लाए। अब इनमें अगर कोई आपको सवाल पूछना तो ज़रूर हम उसके लिए आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। देखो बहती गंगा में बहुतों ने हाथ धोए हैं, पर अभी हाथ धोते हुए इसमें मुख्यमंत्री जी पकड़े गए हैं भांजी के माध्यम से, तो जो जब पकड़ा जाएगा तब उसको लेके सामने आ जाएंगे। पर इस समय तो वहाँ जितने गोते लगा रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा डुबकी लगाते मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, चाहे व्यापम हो। व्यापम में पेरेंट डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री मंत्री भी थे, इसमें पीएससी में GAD के मंत्री भी मुख्यमंत्री हैं। एक बात, पीएससी का जो सेक्रेटरी बनता है वो भी मुख्यमंत्री के सचिवालय से ही जाता है। इवन पीएससी के वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मुख्यमंत्री अपने यहाँ मीटिंग बुलाते हैं और वहीं से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नहीं, प्लिम में भी आया, मेन में भी आया, लेकिन कितने नंबर आए ये तो बताओ। मेन में उनका आंसर तो रिजल्ट तो आ गया, रोजगार निर्माण प्रकाशित भी हो गया, हमने आंसर शीट मांगी है, हमने मींस जो सफरर स्टूडेंट थे उन्होंने मांगी है, RTI के तहत जो RTI एक्टिविस्ट हैं उनने भी मांगी है, और GAD के प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिख के अभी 12 मई को हमने भी मांगी, जब इतना सबको नहीं दे रहे थे तब, तो उनको जानकारी नहीं दे रहे हैं, यही तो वहाँ गड़बड़ है। और जानकारी नहीं दे रहे प्लस रिकॉर्ड को भी नष्ट करने की टाइम सीमा घटा के रिकॉर्ड नष्ट कर दिया,
ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो हमारी निजी जानकारी है, रिकॉर्ड अभी सुरक्षित इसलिए रखा गया है कि उसको लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सी शुरू में ही खड़ी हो गई थी, जो अभी तक चल रही है। बिल्कुल आपका आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, लेकिन आपने शायद पहले नहीं सुना, हमने पहले ही निवेदन कर दिया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ पीएससी के लिए हमने बुलाई है और हम पीएससी पे ही बात करेंगे। जिस विषय पे इससे हटके बात करनी है उसके लिए हम हमारा नंबर दे देते हैं, भोपाल दिल्ली में अभी 3 दिन हैं, अलग हटके हम और आप बात कर लेंगे। तो व्यापम के लिए अलग बात कर ली ना, अलग टाइम ले लीजिए। एक मिनट अभी गलत तो साबित नहीं हो गया। अगर हम उसका टेक्निकल उत्तर देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि मामला सब जुडिस है, हमें जो कहना होगा कोर्ट में कहेंगे, उसका एक ये भी आंसर होता है। लेकिन हमने आपसे मना नहीं कहा, हमने आपसे निवेदन किया कि पीएससी पे बात कंप्लीट कर लो, उसमें जिसको भी बात करनी हो अलग टाइम लेके बात कर लो। लेकिन आपने मीडिया में सवाल उठाए तो मीडिया में जवाब भी दीजिए, आपने आरोप तो मीडिया में के सामने लगाए ना कि ये आरोप है, तो अगर वो कह रहे हैं कि आरोप झूठे तो उनका जवाब भी आप दीजिए। हमारे स्पोक्स पर्सन ने आरोप लगाए हैं और हमारा स्पोक्स पर्सन उसके जवाब देने में सक्षम है और कोर्ट में डिफेमेशन को फेस करने में सक्षम है, फेस किया जाएगा, उसकी चिंता आप काहे को कर रहे हैं। अभी टाइम तो नहीं गुजर गया, अभी जिस पे बात कर रहे हैं अगर पीएससी से भटका के व्यापम पे ले चलना हो तो फिर हम व्यापम वाले कागज ले आते, आप जरा सा बोल देते, नहीं तो हमें टाइम दो, कल तक हम व्यापम के बुला लेते हैं, हम व्यापम पर रोज चर्चा करते हैं। हमने तो मुख्यमंत्री को ये भी चुनौती दी है कि वो जहाँ बैठ जाए मेरे सामने व्यापम में, अगर हम उन्हें दोषी सिद्ध कर दें तो वो इस्तीफा दे दें, और अगर हम दोषी सिद्ध नहीं कर पाए तो हम उसी समय से इस्तीफा दे के चले जाएंगे। राम नरेश, तो सवाल करके बैठ जाइए ना, सवाल के बाद अगर आप विश्लेषण करोगे या आर्गुमेंट करोगे तो फिर मैं तो फिर जवाब नहीं दे पाऊंगा। शांति, हाँ छोटा सा उत्तर दे रहा हूँ। राम नरेश यादव जी के जो ओएसडी थे वो न केवल इस्तीफा दे गए, गिरफ्तार होकर जेल भी चले गए और शायद जमानत पे बाहर भी आ गए। मुख्यमंत्री जी भी इस्तीफा दे दें, थोड़े दिन के लिए जेल में चले जाएं, जमानत पे बाहर आ जाएं, बात खत्म हो जाएगी। राज्यपाल जी का कोई नाम नहीं है, उनके ओएसडी का नाम था। नहीं, मैं जवाब इनको दे दें तो नहीं आप लोगों को लगेगा शायद मेरे पे उत्तर नहीं है। आप जरा बैठ जाइए और अगर आप इसकी अच्छी तैयारी करके आएँ तो अपने मित्रों को समझा लीजिए कि आपको सुन लें और मेरे को सुन लें, हमें एतराज़ नहीं है। आप वहाँ लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम है किसने बयान दिया है, तब हम आप बैठे थे। राम नरेश यादव का नाम किसी में नहीं है, और अगर राम नरेश यादव का नाम होगा तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस या CLP सत्यदेव कटारे बचाने के लिए खड़ा नहीं होगा। कानून गिरफ्तार करेगा तो करके ले जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। चिंता इसकी करिए कि शिवराज सिंह भटक क्यों रहे, वो क्यों नहीं बात कर रहे, वो क्यों भाग रहे हैं। शिवराज सिंह जी से हम कह रहे हैं कि वो उस विभाग के मंत्री हैं, उनने ऑर्डर किए हैं, हमने प्रमाण रखे हैं, हमने अभी आपके सामने ये आंसर शीट दिखाई, हमने आपके सामने ये ऑर्डर दिखा रहे हैं, हम ये सुनीता जैन और 13 लड़कियों के दस्तावेज दिखा रहे हैं, इनके दोषी मुख्यमंत्री हैं, ये RTI एक्ट हम दिखा रहे हैं जिसमें संशोधन मुख्यमंत्री ने किया, इसलिए हम उनसे मांग रहे हैं इस्तीफा जी। हमने ये नहीं कहा फेल हो गए, PSC के एग्जामिनेशन में मेरिट होती है और टॉप आने वाले लोग डिप्टी कलेक्टर DSP बनते हैं और रैंकिंग कम होती चली जाती है, उसके नंबर के हिसाब से फिर उनका सिलेक्शन होता है। तो वो जिस रैंक में आई हों उसी के लिए तो हम आंसर शीट मांग रहे हैं, उसी के लिए हम OMR शीट मांग रहे हैं। हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि वो डिप्टी कलेक्टर के रैंक पर नहीं आई हैं, इसलिए वो डिप्टी कलेक्टर बनवाने के लिए उनको 7th रैंक दिलवाने के लिए बहुत सारे हेर फेर किए गए। 2 दस्तावेज मैंने अभी आपके सामने रखे कि एक में तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि महिलाओं की कैटेगरी अलग रहेगी, पुरुषों की अलग रहेगी, जिसमें 13 लड़कियां परेशान हो रही हैं,
और अपनी भांजी के लिए महिला पुरुषों का रिजल्ट एक निकाल रही है पीएससी जो दस्तावेज ये बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बट रहे आप बोल दो प्लीज। ये बहुत देर से बोल रहे हैं, पूछा इनके बाद आप आ जाइए, इनके बाद ले लें। नहीं मैंने उस पर नहीं उठाया, मैंने ये उठाया है कि इसका इस दस्तावेज में जनरल के लिए 5 सीटें हैं 5, महिला के लिए उनमें से 1, मतलब 4 पुरुष 1 महिला होंगी जनरल, टोटल जनरल की सीट 5 हैं, टोटल जनरल का सिलेक्शन हो गया 6 का, छठवें नंबर पर तृप्ति श्रीवास्तव हैं। तो जब 6 जनरल सिलेक्ट हो गए हैं तो निश्चित रूप से ये कोई ना कोई एक सीट किसी न किसी की कम हुई है, चाहे ओबीसी की कम हुई हो, चाहे एसटी की कम हुई हो या एससी की कम हुई हो। ये बयान मेरे हाथ में रखा है, मैंने बयान भी दिखा लिया और देख लिया है, वो सवाल भी सरकार खुद बना लेती है और उत्तर भी खुद बना के भेज देती है। मैं आपके सामने सवाल कर रहा हूँ, हमने ये बोला है कि जब जनरल की 5 सीटों के बदले 6 सिलेक्ट हो गए तो निश्चित ही किसी न किसी की एक रिजर्वेशन की सीट भी ले ली गई, किसकी ली गई है ये सरकार बताएगी। तो इस आरटीआई एक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए, हम और आप तो मांग नहीं सकते। अब एक और व्यवहारिक उदाहरण हम पूछना चाहते हैं कि आप पास हो रहे हैं और हम पास कर रहे हैं, आप 10 नंबर लाए और हमने आपको 50 नंबर दे दिए, तो आप तो उस कॉपी को खोलोगे नहीं और हम भी नहीं खोलेंगे क्योंकि हमने किया है, और तीसरा मांग नहीं सकता है, तो इसका मतलब तो फिर वो घोटाला खोलेगा ही नहीं, यहीं तो गड़बड़ी है। जो गड़बड़ी है वो यहीं से तो शुरू होती है कि आप जब सही है सब कुछ ठीक है तो बाहर रख दो सबके सामने, और नहीं रख रहे हो तो फिर गड़बड़ी बताओ क्या है। अब इसमें हम अपने लीगल लोगों से सलाह करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप भाई साहब कुछ पूछ रहे थे, आप इनके बाद प्लीज। हाँ वास्तव में उनकी सगी बहन की बेटी है जी। हमारी डिमांड ये है कि ये घोटाला और व्यापम की हम पहले मांग कर चुके हैं, इनकी जांच सीबीआई को दी जाए। हमारी फर्स्ट डिमांड ये है कि इस पर फोकस करने के लिए तो इसको एसआईटी से जांच करवाई जाए और एसआईटी अंडर सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहे। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो हम सीबीआई जांच के लिए भी अग्री हैं। सीबीआई आज उनके अंडर में, अगर उसको वो तोता कहते थे तो आज वो तोता उनकी पार्टी का हो गया है, उस तोते से ही जांच करवा लें। लेकिन एसटीएफ मध्य प्रदेश की जांच नहीं कर सकती है, भले ही हाईकोर्ट का सुपरविजन हो, जांच तो एसटीएफ के लोग नीचे ही कर रहे हैं। हाईकोर्ट के सुपरविजन रहते हुए मुख्यमंत्री ने अभी 4 दिन पहले एसटीएफ का सुपरविजन कर डाला और गिरफ्तारी हुई, उन पर डांट पिलाई उनको, ये सब मध्य प्रदेश में हुआ और हो रहा है। इसलिए हमारी डिमांड है कि इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस्तीफा दे दें, इस जांच को निष्पक्ष होने दें। अगर वो निर्दोष साबित हो जाते हैं तो वापस मुख्यमंत्री बन जाए, 165 सदस्य हैं उनके, उनकी पार्टी की सरकार तो गिर नहीं रही है, थोड़े दिन कोई और बैठ जाएगा। तो क्या प्रदेश में आंदोलन चल रहा है? 27 तारीख को मुख्यमंत्री निवास घेर रही है यूथ कांग्रेस, 1 तारीख को पूरे जिलों पर जिला कांग्रेस धरना दे रही है, पूरी कांग्रेस धरना दे रही है उनका इस्तीफा मांगने के लिए जी। एक मिनट में हम पूरा समझा देता हूँ। असल में यही भ्रम तो हो रहा है, एसटीएफ जो जांच कर रही है 3 श्रेणी के उसमें अपराध हुए हैं। एक अपराध तो वो हुआ कि जिस विद्यार्थी ने या उसके घर वाले ने पैसे दे के नौकरी लगवा ली या पैसे दे के एमबीबीएस में एडमिशन करवा लिया, तो एक दोषी वो हुआ जिसने पैसे दिए, दूसरा दोषी वो हुआ जिसने पैसे लिए, तीसरा दोषी वो और है जिस पर पैसे पहुँचे, और चौथा दोषी वो है जो इन सबको करवा रहा है और छुपा रहा है। अब एसटीएफ उनको पकड़ रही है जिन विद्यार्थियों ने पैसे दिए, 450 लोग पकड़ के जेल में पड़े हुए हैं और 150 लोगों की लगभग जमानत हो गई। विद्यार्थियों को तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से भी निपटा सकते थे कि जिसने पैसे दे के नौकरी लगवाई उसको नौकरी से निकाल दिया तो उसको सजा भी मिल गई, पैसा चला गया और नौकरी भी गई। अगर एमबीबीएस में एडमिशन हो गया तो निरस्त हो गया, तो उसको तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में बहुत था,
और वो सरकारी गवाह बन सकता था, लेकिन जिसने पैसे लिए वो बड़ा दोषी है, फिर जिस पर पैसा पहुँचे वो सबसे बड़ा दोषी है, और उससे भी बड़ा दोषी वो है जो लिस्ट भेजता था और पूरे के पूरे मामले की सुरक्षा और संरक्षण करता था। तो सुरक्षा और संरक्षण करने वाले मुख्यमंत्री हैं, और बीच वाले लोग और शामिल हैं जिसमें कुछ अधिकारी जेल में बंद हैं, कुछ बाहर घूम रहे हैं। तो एसटीएफ नहीं, नहीं तो शर्मा जी पे बात कहां टिकती है बहन जी? शर्मा जी तो एक मोहरा थे, छोटी मछलियां फंसी हैं। ऐसे 25 शर्मा जी और होंगे, ये सब छोटी मछलियां हैं, घड़ियाल बाकी। अभी बड़ी मछली पे तो हाथ ही नहीं पड़ा है, और पकड़ा तो घड़ियाल को जाना चाहिए। शिवराज सिंह प्लस अन्य, हम आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट में लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें हमने एक मांग और की है, झंडे बालान में रहने वाले श्री सुरेश सोनी जी जो राजगढ़ जिले के निवासी हैं, उनकी पीएससी से लेकर के व्यापम तक क्या भूमिका है इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कितने लोगों को नौकरी लगवाई इसकी जांच होनी चाहिए। इस मामले को हम वहाँ भी उठा चुके हैं, यहाँ फिर कह रहे हैं। उनका नाम गवाहों के बयान में आया है, जो जेल में बंद हैं उन लोगों के बयान में उनका नाम आया है, सुरेश सोनी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े दिग्गज नेता हैं, मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले हैं, यहाँ झंडे बालान में आरएसएस ऑफिस में रहते हैं। उन्होंने भी व्यापम से लेकर पीएससी तक बहुत लोगों को रिकमेंडेशन करके लगवाया है। उनका नाम व्यापम के एफआईआर के गवाहों के द्वारा आया है, एफआईआर में मतलब गवाहों के उसमें आया है बयान में। उसकी जांच अब वहाँ हो रही है, अभी हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, हम जब कहेंगे तब कहेंगे। अभी हमने मुख्यमंत्री जी की भांजी की बात पकड़ी है, वो भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा। गड़बड़ी भांजी ने कम की है पर मुख्यमंत्री जी ने ज़्यादा की है। अब धन्यवाद का समय आ गया, नमस्कार, धन्यवाद।